हाय, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं टारगेट की चंद्रा सिंह चंद्रभान आपके सामने प्रेसिडेंट का पार्ट टू लेकर के आया हूँ। पार्ट वन में हम लोगों ने बात की थी राष्ट्रपति के गठन की, राष्ट्रपति के शक्तियों के बारे में, और जो ये कहें संघात्मक शासन होता है उसके बारे में, और राष्ट्रपति वास्तव में हमारी जो संसदीय व्यवस्था है उसका कैसा प्रमुख होता है, संवैधानिक होता है कि वास्तविक होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने चर्चा की थी। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के बारे में, संसदीय शासन प्रणाली के बारे में हम लोगों ने बात की थी, और अनुच्छेद 52-53 के बारे में भी बात की थी हमने। आज हम लोग बात करेंगे पार्ट टू में राष्ट्रपति, भारतीय राष्ट्रपति के भाग दो में, और यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन लोग शामिल होते हैं। एक तो ये बात करेंगे, दूसरी बात हम लोग करेंगे कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, उसकी रीति क्या है। तो अगर हम बात करें राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन लोग शामिल होते हैं, मतलब राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन लोग भाग लेते हैं, ये आपके अनुच्छेद 54 में रखा गया है। अनुच्छेद 54 में है राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, इसकी बात करेंगे। इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, अनुच्छेद 54। दूसरी बात जो हम लोग करेंगे वो ये बात करेंगे कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति क्या होती है। अंग्रेजी में जिसको हम लोग बोलेंगे मैनर ऑफ द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, मैनर ऑफ द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, आर्टिकल 55 अनुच्छेद 55। तो आज हम लोगों का राष्ट्रपति के पार्ट टू में जिस विषय पर चर्चा होगी वो विषय है आपका अनुच्छेद 54 और अनुच्छेद 55। तो दोस्तों सबसे पहले शुरू करते हैं राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। तो यहां पर इसको मैंने डिवाइड किया हुआ है दो पार्ट में, कौन लोग राष्ट्रपति के निर्वाचन में शामिल होते हैं, और सेकेंड पार्ट कौन लोग राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल नहीं होते हैं। दोस्तों यहां से कई बार बहुत अच्छा क्वेश्चन बना है, नहीं से कौन लोग शामिल नहीं होते हैं, यहां से भी बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। तो अगर हम बात करें शुरू करें यहां पर हम लोग कि कौन लोग राष्ट्रपति के निर्वाचन में शामिल होते हैं, अगर उसकी बात करेंगे तो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले पहली बात आती है संसद के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल होते हैं, एक तो बात ये। और अगर जब बात करें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों की, तो दोनों सदनों का मतलब राज्यसभा और लोकसभा। हाँ, लेकिन यहां पर इस बात को हमेशा याद रखिए, निर्वाचित सदस्य, क्योंकि अक्सर क्वेश्चन जब आता है और ऑप्शन में हम लोग सीधा देखते हैं कि दोनों सदनों के सदस्य, एक ऑप्शन ये रहता है, दूसरा ऑप्शन ये रहता है दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, और यहीं पर हम लोग गलती कर देते हैं जल्दबाजी में, और हम गलती क्या करते हैं कि दोनों सदनों के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, और ये गलत ऑप्शन हो जाता है। हमेशा आपको याद रखना पड़ेगा कि निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा व लोकसभा के निर्वाचित सदस्य ही इसके चुनाव में भाग लेते हैं। अब दोस्तों अगर बात करें दोनों सदनों के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो होते कौन है, जिनको हम बोलते हैं सांसद। लोकसभा के चुनाव में सांसद चुना जाता है, राज्यसभा के चुनाव में भी सांसद चुना जाता है, ठीक। तो ये जो निर्वाचित होते हैं, जिनका चुनाव होता है, ये लोग राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं। दूसरी बात अगर हम बात करें राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, जैसे कि कुल मिलाकर के 28 राज्य और 9 संघ शासित प्रदेश हैं, तो जहां जहां पर विधानसभाएं हैं उन विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य कौन होंगे, विधायक होंगे, है ना। विधानसभा के चुनाव में हम लोग विधायक चुनते हैं और वो निर्वाचित होते हैं, हम लोग उनको वोट करते हैं। तो ये सारे लोग, ये कहें कि विधायक लोग, राज्यों की जो विधानसभा के सदस्य जिनको बोला जाता है, ये भी लोग राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं। तो सांसद और विधायक दोनों, लेकिन सांसद कौन से, सांसद वो जो निर्वाचित होकर के आए हैं, मनोनीत होकर के नहीं आए हैं, विधायक वो जो आपके निर्वाचित होकर के आए हैं। तो ये दोनों बात हो गई।
यहाँ पर दोस्तों नोट पॉइंट जो जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और यहां से क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है और यहां पर गलतियां भी होती हैं। आपको पता है कि राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शब्द का इस्तेमाल किया गया राज्यों की, यहां पर संघ शासित राज्यों की बात नहीं कही गई है, इस बात को आप याद रखिए। लेकिन 17वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा ये प्रावधान किया गया कि जो दो आपके संघ शासित प्रदेश हैं, एक आपका नेशनल कैपिटल रीजन नई दिल्ली जो आपका है, जिसे हम बोलेंगे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, जो कि एक संघ शासित राज्य की श्रेणी में आता है, और चूंकि आपको पता है कि यहां पर भी विधानसभा है, एक और ऐसा संघ शासित प्रदेश है दोस्तों जिसको हम पुदुचेरी बोलते हैं या पांडिचेरी बोला जाता था, वर्तमान में पुदुचेरी बोलते हैं, तो यहां पर भी विधानसभा है, और जब विधानसभा है तो विधानसभा के चुनाव होते हैं दोस्तों। लेकिन अब आपको जान लेना यह भी आवश्यक है, यहाँ पर मैंने मेंशन नहीं किया है, नोट नहीं किया है, यहाँ पर नोट होना चाहिए था कि जम्मू कश्मीर भी संघ शासित प्रदेश बन गया है, चूंकि पहले राज्य की श्रेणी में आता था लेकिन अब संघ शासित राज्य की श्रेणी में आएगा, लेकिन जम्मू कश्मीर में भी क्या है, विधानसभा है। तो दोस्तों ये प्रावधान होगा, यहां पर भी बिल्कुल प्रावधान होगा, ऑब्वियसली प्रावधान होगा कि यहाँ की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल होंगे, इस बात को आप लोग याद रखिए, नई बात है चूंकि यहाँ पर। और वैसे अगर हम बात करें तो दो दो संघ शासित प्रदेश हैं आपके दिल्ली और पांडिचेरी या पुदुचेरी, यहाँ के विधान क्यों, चूंकि यहाँ पर विधानसभा है, आपको पता है कि दिल्ली में किसकी सरकार है, अरविंद केजरीवाल की, अगर यहाँ पर विधानसभा ना होती तो यहाँ का मुख्यमंत्री ना होता, तो चूंकि दोनों दो जगह ऐसी हैं। अब अगर बात करें तो तीन जगह ऐसी हैं, तो इन तीन जगहों, यहां पर हम 17वें संविधान संशोधन 1992 की अगर बात करते हैं तो दिल्ली और पांडिचेरी संघ शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी क्या होगा दोस्तों, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होंगे, अर्थात यहां के जो विधायक होंगे वो भी राष्ट्रपति को वोट दे सकते हैं। जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर के लिए अभी आपका जो राज्य पुनर्गठन बिल प्रस्ताव रखा गया वो पास हुआ, तो उसके आधार पर अब क्या होगा कि जम्मू कश्मीर, चूंकि जम्मू कश्मीर में विधानसभा होगी, लद्दाख पूर्ण रूप से संघ शासित प्रदेश होगा तो वहां तो विधानसभा नहीं होगी, लेकिन जम्मू कश्मीर में विधानसभा होगी तो यहाँ के जो निर्वाचित सदस्य होंगे वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे, तो आने वाले समय में ऐसा होगा, फिलहाल अभी तो ऐसा नहीं है लेकिन ऐसा होगा, ऑब्वियसली एकदम ऐसा होगा क्योंकि विधानसभा है, इसलिए यहाँ के जो विधायक हैं वो शामिल जरूर होंगे। अगर हम बात करें कौन लोग शामिल नहीं होते हैं, ये तो अभी जितनी बात की सभी शामिल होने वाले हैं, एक बार में हम बात कर लेते हैं कौन कौन लोग शामिल होते हैं। राज्यसभा लोकसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, संघ शासित प्रदेश, दो ऐसे संघ शासित प्रदेश जिनका प्रावधान किया गया 17वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा क्या किया गया कि ये तो दो संघ शासित प्रदेश हैं, इनकी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी क्या लेंगे, राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल होंगे, इस बात को आप लोग हम लोगों ने पढ़ा। नेक्स्ट है हम कौन शामिल नहीं होते हैं, जब बात आएगी कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन लोग शामिल नहीं होते हैं, तो दोस्तों यहां पर आपको एकदम जान लेना जरूरी है, यहां से बहुत अच्छा प्रश्न बनता है, तो कौन लोग शामिल नहीं होते हैं, दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल नहीं होते हैं, और दोनों सदनों मतलब राज्यसभा और लोकसभा। दोस्तों आपको पता होगा कि राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करता है, और ये 12 सदस्य जो कि आपके साहित्य है, पत्रकारिता है, समाज सेवा है, कला है, इन क्षेत्रों से बिलोंग करते हैं, आते हैं, इन क्षेत्रों में इनको विशेष नॉलेज होता है, इनको राष्ट्रपति के द्वारा सदन में राज्यसभा में मनोनीत किया जाता है। तो ये जो मनोनीत सदस्य हैं, चूंकि ये निर्वाचित नहीं है, इनका कोई इलेक्शन नहीं होता है, इस वजह से ये राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेंगे, एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात अगर हम बात करें लोकसभा की, तो दोस्तों आपको पता होगा लोकसभा में दो एंग्लो इंडियन आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों को भी मनोनीत किया जाता है। क्यों मनोनीत किया जाता है, वो इस वजह से
कि आज भी जो आंग्ल भारतीय हैं, आंग्ल भारतीय का मतलब आंग्ल का मतलब अंग्रेज और भारतीय का मतलब भारतीय, जो कुछ अंग्रेज यहाँ के नागरिक हो गए, उनकी जो संतानें यहाँ पर बनी हुई हैं, उनका प्रतिनिधित्व कौन करेगा, उनकी देखरेख कौन करेगा, इसके लिए इनका भी सदन में प्रतिनिधित्व होना चाहिए। तो इस वजह से राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा में दो एंग्लो इंडियन या आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों को मनोनीत किया जाता है, ताकि अपने लोगों के लिए ये काम कर सके। दोस्तों, अब इसका मतलब ये नहीं है कि कोई आंग्ल भारतीय निर्वाचित नहीं हो सकता है, ये बिल्कुल मत सोचिएगा। अभी बंगाल से तृणमूल कांग्रेस के एक सदस्य हैं, उनका देखिए डेरेजियन, ऐसे कुछ नाम है उनका, डेरेजियन, तो वो ओब्रायन, ओब्रायन नाम है, ओब्रायन डेरेजियन, इस तरीके से उनका नाम है। तो वो तृणमूल कांग्रेस के से चुन करके यहां पर आए थे आपके लोकसभा सदस्य। तो अगर वो निर्वाचित होकर के आता है कोई आंग्ल भारतीय, मेरा सीधा सब कहने का मतलब ये है कि कोई आंग्ल भारतीय अगर चुन करके आता है, तो वो राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल होगा। इस बात को यहां पर समझने की कोशिश करिए। वैसे तो दो आंग्ल भारतीयों को मनोनीत किया जाता है, चूंकि मनोनीत किया जाता है इसलिए वो राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल नहीं होते हैं। वो इस वजह से, क्योंकि राष्ट्रपति ही मनोनीत करता है और राष्ट्रपति के चुनाव में ही शामिल होंगे। तो यहां पर जो हम ये कहें कि यहां पर थोड़ा सा दिक्कत पैदा होती है कि ऐसे में तो वो राष्ट्रपति को ही वोट देंगे, है ना। तो यहां पर पक्षपात की स्थिति पैदा हो सकती है, क्योंकि 12 सदस्यों को राज्यसभा में भी राष्ट्रपति मनोनीत करता है, तो यहां भी पक्षपात की व्यवस्था हो सकती, पक्षपात हो सकता है। सिर्फ इस वजह से इन मनोनीत सदस्यों को राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल नहीं किया जाता है। जैसा मैं कह रहा था कि अगर आंग्ल भारतीय कोई है और वो अगर निर्वाचित होकर के आता है सदन में या राज्यसभा में या लोकसभा में, तो फिर वो राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल हो सकता है, वोटिंग कर सकता है। इस बात को आप लोग थोड़ा सा समझिए। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, तो दो जो मनोनीत सदस्य हैं और जो 12 राज्यसभा में मनोनीत सदस्य हैं और दो लोकसभा में, कुल मिलाकर के जो 14 कुल मिलाकर के 14 जो मनोनीत सदस्य हैं, वो आपके राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं होंगे, ठीक, इस बात को याद रखिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें और कौन कौन लोग शामिल नहीं होंगे, तो विधानसभा में भी एक सदस्य को मनोनीत किया जाता है। प्रत्येक राज्य की विधानसभा में एक सदस्य को मनोनीत किया जाता है, अर्थात वो मनोनीत सदस्य भी राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल नहीं होगा। जैसे उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या कुल मिलाकर कितनी है, 403+1, है ना, 403+1, तो 403 पर निर्वाचन होता है, और एक जो सीट है वो दोस्तों कैसी है, मनोनीत वाली है, जिसको मनोनीत किया जाता है, तो कुल मिलाकर के 404 हो जाती हैं विधानसभा की सीटें। लेकिन निर्वाचन कितने पर होता है, 403 पर। तो 403 जो विधायक होंगे वो राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल होंगे, जो एक मनोनीत किया जाता है वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेगा, इस बात को आप याद रखिए। नेक्स्ट, राज्य के विधानसभा के सदस्य तो राष्ट्रपति के, वो भी कैसे, निर्वाचित, राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य तो राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल होते हैं, लेकिन आपको पता होगा कि कुछ राज्यों में क्या है, विधान परिषद भी है, अर्थात विधान, राज्य का जो विधान मंडल है वो विधान परिषद और विधानसभा से मिलकर के बनता है। तो जिन जिन राज्यों में भी विधान परिषद है, उन विधान परिषदों के सदस्य भी राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं, उसका रीजन ये है कि आपको पता है कि लगभग हम बात करें तो जो आपकी जैसे आपका बिहार है, आपका महाराष्ट्र है, तेलंगाना है, उत्तर प्रदेश है, जम्मू कश्मीर है, कर्नाटक है, तेलंगाना है, तमिलनाडु है, तो ये कुछ ऐसे राज्य हैं, सिर्फ इतने राज्य जहां पर विधान परिषद भी है। और इसके अलावा कुल मिलाकर के अगर हम बात करें, लगभग 20 के करीब जो आपके राज्य पड़ते हैं, उन राज्यों में विधान परिषद नहीं है। तो दोस्तों, 8 राज्यों में है, 20 में नहीं है, तो क्या होगा, ऐसे में क्या होगा कि जो वोटिंग की जो हम कहें समरूपता, समतुल्यता है, वो खत्म हो जाएगी। वो 8 जिसकी तरफ चले जाएंगे, उसकी तरफ ज्यादा वोटिंग हो जाएगी।
तो चूंकि अगर प्रत्येक राज्य में विधान परिषद होती तो मौका दिया जा सकता था, लेकिन चूंकि 8 राज्यों में सिर्फ है, इस वजह से इनको मौका राष्ट्रपति के चुनाव में नहीं दिया गया। ये तो इसका रीजन है। तो दोस्तों, राज्य की विधान परिषद के जो सदस्य हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल नहीं होते हैं। तो दोस्तों, आपको ये समझ में आया? ठीक, अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट्स में एक बार पूछिएगा, मैं दोबारा बता दूंगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, ये तो हो गया राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। आर्टिकल 54 की बात किया हमने, कौन लोग शामिल होते हैं और कौन लोग शामिल नहीं होते हैं। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, क्या इसकी रीति है, क्या प्रोसेस है। अनुच्छेद 55 की बात करेंगे, मैनर ऑफ द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, इसमें राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति क्या है। देखिए ध्यान से, यहाँ ये तो और थोड़ा सा समझने वाली बातें हैं। पहला पॉइंट आता है यहाँ पर कि राष्ट्रपति को जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा होता है। अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली, अब दोस्तों ये क्या है? अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली का मतलब है कि इस चुनाव में, अर्थात राष्ट्रपति के चुनाव में, जनता प्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल नहीं होती है। अप्रत्यक्ष शब्द का इस्तेमाल करने का सीधा सा मतलब है कि जनता ने जिसको चुना, उस चुने हुए व्यक्ति ने, उस चुने हुए सदस्य ने, उस चुने हुए प्रतिनिधि ने क्या किया कि फिर राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लिया। तो ये क्या हो गया? इनडायरेक्ट हो गया, अर्थात जनता डायरेक्ट राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल नहीं होती है या वोटिंग नहीं करती है, बल्कि उसके द्वारा चुने गए जो प्रतिनिधि होते हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल होते हैं, और इसीलिए इसको कहा गया अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली। दोस्तों क्लियर हुआ? नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति द्वारा। आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति द्वारा इसका क्या मतलब है? दोस्तों इसका मतलब है कि राष्ट्रपति के चुनाव में समरूपता एवं समतुल्यता का सिद्धांत लागू किया जाता है। मतलब समरूपता का मतलब है कि विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधियों के मतमूल के मापन में एकरूपता होनी चाहिए। जितने भी, जैसे हमारा उत्तर प्रदेश है, आपका बिहार है, आपका तमिलनाडु है, आपका केरल है, जितने भी राज्य हैं उन राज्यों के विधायकों में या सांसदों में सबके वो जो सबका जो मत मूल्य होगा, वोट की जो वैल्यू होगी, एक वोट की वैल्यू क्या होगी? बराबर होगी। मतलब उत्तर प्रदेश के एक विधायक की, एक विधायक की वोट वैल्यू, एक विधायक की वोट वैल्यू बिहार के एक विधायक की वोट वैल्यू के बराबर होना चाहिए। दोस्तों यहां बहुत ही थोड़ा सा टिपिकल वर्ड है, टिपिकल समझने के लिए है। वोट वैल्यू का निर्धारण यहां पर किया गया है, तो वोट वैल्यू बराबर होना चाहिए, समरूपता होनी चाहिए। ऐसा नहीं है, चूंकि यहां पर गणना की जाती है वोटिंग वोटिंग की, तब यहां पर देखा जाता है। तो जितना मत मूल्य एक उत्तर प्रदेश के विधायक का होगा, उतना ही मत मूल्य किसी भी अन्य राज्य के विधायक का होगा, बराबर होना चाहिए, तभी राष्ट्रपति के चुनाव में क्या होगा, हम ये कहें कि पक्षपात नहीं होगा। तो ये इसका मतलब हो गया समरूपता। और अगर हम बात करें समतुल्यता की, तो राज्य एवं संघ के प्रतिनिधित्व में क्या होना चाहिए? समतुल्यता होना चाहिए। जैसे संघ शासित प्रदेशों की संख्या कम है, राज्यों की संख्या कम है, तो यहां पर इस तरीके का प्रोसेस अपनाया जाए कि दोनों का प्रतिनिधित्व में कोई दिक्कत ना आए। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वहां के संघ शासित प्रदेशों के जो सांसद या विधायक होंगे उनके मतमूल्य को बढ़ा दिया जाए, मतलब यहां से मतलब ये है कि एवरेज देखा जाता है, एवरेज की या एवरेज या प्रतिशत की बात करेंगे कि उनका भी प्रतिनिधित्व बराबर होना चाहिए। उनका ऐसा नहीं है कि उनका प्रतिनिधित्व राज्यों की अपेक्षा कम कर दे, संख्या कम है वो अलग की बात है, लेकिन प्रतिनिधित्व दोनों का समतुल्य होना चाहिए, ये बात यहां पर कही गई। तो ये सिद्धांत है आपका समरूपता एवं समतुल्यता का सिद्धांत। इसमें सभी राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के मत मूल्य, सभी राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों का मत मूल्य, अर्थात सभी राज्यों के विधायकों का मत मूल्य का योग, टोटल जो विधायक है, जैसे हम बात करें उत्तर प्रदेश के जितने भी विधायक हैं 403, इनका मत मूल्य का योग बराबर संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों का मत मूल्य का योग, मतलब सांसदों का, जितने भी सांसद है कुल मिलाकर के, उनके मत मूल्य का योग बराबर राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों के मत मूल्य का योग, इन दोनों में बराबर समानता होनी चाहिए। इसी को नाम दिया गया दोस्तों
आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति, आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति, इसलिए इसको नाम दिया गया कि किसी भी राज्य का प्रतिनिधित्व कम ना हो, वो विधायक का वोट वैल्यू और सांसद के वोट वैल्यू से कम ना हो, यहां पर समानता होनी चाहिए, इस बात को यहां पर दिखाया गया, और इसी का मतलब है आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है। दोस्तों एक अब देखिए, अगर हम बात करें आनुपातिक प्रतिनिधित्व निकालने के लिए, या हम ये कहें एक विधानसभा के सदस्य का मतमूल कैसे निकाला जाए, मतमूल कैसे निकाला जाएगा, एक वोट की वैल्यू कैसे निकाली जाएगी, तो इसका बकायदा संविधान में फार्मूला दिया गया है। विधानसभा के एक सदस्य का मतमूल की गणना करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, राज्य विधानसभा के एक सदस्य का मतमूल, राज्य विधानसभा के एक सदस्य का मतलब एक विधायक का मतमूल बराबर राज्य की कुल जनसंख्या बटे लोकसभा के कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या इंटू 1000। ये फार्मूला है, इससे एक विधायक का मतमूल निकलेगा, जैसे राज्य की कुल जनसंख्या। और दोस्तों एक चीज यहां पर और जान लेनी जरूरी है कि राज्य की जो कुल जनसंख्या है वो आपकी 1971 की जनगणना के आधार पर होगी, क्योंकि अभी परिसीमन नहीं हुआ है, नए सिरे पर 2026 में परिसीमन होगा, तब जाकर के आंकड़े बदलेंगे। जनसंख्या हमारी बहुत है, जैसे उत्तर प्रदेश की जनसंख्या की बात करें वर्तमान में तो कितनी है, लगभग 19-22 करोड़ के लगभग है, लेकिन ये जनसंख्या का निर्धारण जो किया जा रहा है वो 1971 की जनसंख्या के आधार पर आज भी राष्ट्रपति का चुनाव होता है, इस बात को जान लेना जरूरी है। तो ये फार्मूला निकालने का है कि एक विधायक का मूल्य, एक विधायक के वोट की वैल्यू का फॉर्म कैसे निकालेंगे, इसको इसका फार्मूला है राज्य की कुल जनसंख्या यहां पर रखेंगे बटे पे क्या करेंगे लोकसभा के कुल निर्वाचित। तो लोकसभा के, अब लोकसभा के कुल निर्वाचित का मतलब लोकसभा के कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या, लोकसभा के सदस्यों की जितनी संख्या है उन निर्वाचित सदस्यों की संख्या, उनमें क्या करेंगे 1000 गुणा कर देंगे, इस तरीके से एक सदस्य एक विधायक का मतमूल निकल आएगा। दोस्तों अगर सांसद का मतमूल निकालना हो तो क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, एक सांसद का मतमूल बराबर सभी राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के मतमूल का योग, जितने भी राज्य की विधानसभाएं हैं उन सभी विधायकों का मतमूल निकालेंगे और टोटल कर देंगे, और टोटल करने के बाद बटे में क्या करेंगे संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों की संख्या। तो टोटल कुल मिलाकर के, जैसे कि हम अगर बात करें राज्यसभा की 245, अगर हम बात करें लोकसभा की तो 545, दोनों को मिला करके यहाँ बटे में कर देंगे और भाग दे देंगे किसमें, सभी राज्य विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं और उन सभी निर्वाचित सदस्यों के का मत मूल्य का योग में हम दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों की संख्या का भाग दे देंगे तो एक सांसद का मतमूल निकल आएगा। तो दोस्तों हो सकता है, मुझे उम्मीद है कि ये चीज आपको पसंद आई होगी, ना पसंद आई होगी तो आप, अगर समझ में नहीं आई है तो आप एक बार इस पर कमेंट जरूर करिएगा, मैं बता दूंगा दोबारा। तो अब यहां पर एक चीज आती है अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति, तो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बात हम लोग करते हैं एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, इसका क्या मतलब होता है। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली का मतलब दोस्तों होता है कि जैसे कि अगर हम बात करें कि अगर राष्ट्रपति उम्मीदवार 3 है, तो राष्ट्रपति उम्मीदवार अगर 3 है तो जो लोग वोटिंग करने वाले लोग हैं वो क्या करेंगे, वरीयता क्रम में, वरीयता क्रम में एक अगर कोई जाता, मान लेते हैं एक विधायक गया वोट देने, तो 3 प्रत्याशी हैं राष्ट्रपति पद के, तीनों प्रत्याशियों को वो वोटिंग करेगा, ऐसा नहीं कि एक को देख करके चल, एक को देख करके चला जाए, तीनों को वोट करेगा लेकिन वरीयता क्रम में। अब किसको फर्स्ट देता है, किसको सेकंड देता है, किसको थर्ड देता है, अगर 3 प्रत्याशी हैं तो 3 वरीयता क्रम होंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब उन तीनों में से किसको पहला चुनता है, किसको दूसरा चुनता है, किसको तीसरा चुनता है, इस तरीके से वो वरीयता क्रम में वोटिंग करेगा, और इसी को नाम दिया गया एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। अर्थात जितने प्रत्याशी होंगे सभी प्रत्याशी को क्या करें होगा, ये सदस्य जो हैं ये वोटिंग करेंगे लेकिन वरीयता क्रम में करेंगे, इसी को एकल संक्रमणीय मत प्रणाली कहा गया। दोस्तों गुप्त मतदान होता है राष्ट्रपति का, चाहे उपराष्ट्रपति का हो या राष्ट्रपति का हो, दोनों का गुप्त मतदान होता है, वहां पर आपको पता है कि ओपन नहीं होता है, गुप्त होता है, कोई दूसरा कोई एक सदस्य गया वोट करके आया दूसरे को पता नहीं चलता है, तो हर जगह होता है, तो ये गुप्त मतदान होता है, यहाँ पर किसी को जानकारी नहीं दी जाती, किसी को यहाँ पर जाने नहीं दिया जाता है। तो दोस्तों ये था राष्ट्रपति निर्वाचन की रीति, समझाने की मैंने कोशिश की है, समझ में अगर आया हो तो अच्छी बात है,
ये राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल है अनुच्छेद 54, इसको भी मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है। तो दोस्तों ये था राष्ट्रपति पार्ट टू, जिस पर हमने अनुच्छेद 54 और 55 की बात की। नेक्स्ट टाइम हम अगले टॉपिक राष्ट्रपति से ही संबंधित अगले अनुच्छेद पर बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।